नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के कमलानगर थाने में गूगल कंपनी के मैनेजर ने जबरन शादी कराए जाने के आरोप लगाए हैं। आरोपी युवती युवकी भारतीय प्रबंधन संस्थान में क्लासमेट रही है। युवती ने युवक को बहाने से भोपाल बुलाया और कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। युवती और उसके परिजनों ने जबरन उसके साथ फोटो क्लिक किए और अब दहेज के केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कमलानगर थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। युवक के अनुसार उसकी शादी बिहार के पकड़ोआ बिहार की तर्ज पर हुई थी। युवक की शिकायत पर कमलानगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल फरियादी युवक गणेश शंकर गोपालन कस्तूरबा नगर गोविंदपुरा का रहने वाला है। वर्तमान में बेंगलुरु में गूगल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। गणेश ने बताया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात युवती से हुई थी। युवती उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती के पिता ने 2020 में उनके माता पिता के पास शादी का प्रस्ताव भिजवाया। उस वक्त भी उसके शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़की वालों ने उसे धमकी दी। युवती आए दिन फोन पर इमोशनल ब्लैकमेल कर शादी करने का दबाव डालती थी। इधर पुलिस कमिश्नर मकरन देउस्कर ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, FIR दर्ज कर ली है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सर, एक कमलानगर थाने के अंदर मामला दर्ज हुआ है कुछ पैसे की डिमांड को लेकर, पूरा क्या मामला है सर? हाँ, कमलानगर में 14 यानी कल की डेट में एक मामला दर्ज हुआ है 743/22। इसमें आवेदक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा, गणेश शंकर नाम है उनके द्वारा, एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि शादी के नाम पे उनके साथ शादी करवा के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है एक महिला के द्वारा और उसके पिता और भाई और जीजा जी के द्वारा, जिसकी कंप्लेंट कमलानगर थाने में रजिस्टर की गई है। और जैसा इसमें घटनाक्रम उसने बताया है उसके अनुसार उसको बेंगलोर से बुला कर और यहाँ थोड़े दिन नेहरू नगर में रख कर उसके साथ में शादी का पूरा प्रोग्राम रचा गया, फ़ोटो खींचे गए और फ़ोटो खींचने के बाद में उसको एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपको, आपकी शादी हो गई है और आप इतने पैसे देंगे तो फिर आप पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगाया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि उसके जो फोटो है उनको एडिट करके जो है अपलोड करने की धमकी दी गई है, ये अभी विवेचना में है। ये फोटो में हम देखेंगे फोटोग्राफर के स्टेटमेंट और बाकी जिस जहां से भी फोटो और वीडियोस हमें कलेक्ट होते हैं उसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ती है तो फिर बताया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि 2020 के अंदर इसको शादी का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन किसी तरीके किसी वजह से ये जो है ख़त्म हो गया था। जैसे हाँ, ये प्रस्ताव लड़की के परिवार वाले की तरफ से भेजा गया था लेकिन लड़के के परिवार वाले की तरफ से मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार उस पर दबाव डाला जा रहा था और ऐसा लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे थोड़ा बहुत छोटमोट तरीके से, पूरी तरीके से भली बात ही नहीं जानते थे, इस कारण से शादी के प्रस्ताव पर पूरी बात नहीं हो पाई थी। लड़की के कहने पे ही वो बेंगलोर से यहाँ पर आया था भोपाल में, उसके बाद ही ये सारा घटनाक्रम हुआ। सर, कौन सी कंपनी का है ये? अभी ये विवेचना का विषय है कि किस कंपनी में दोनों कार्यरत थे। दोनों अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लड़की भी और लड़का भी, जैसा अभी तक विवेचना में आया है। जिस भी कंपनी में होगा वो हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देंगे। बिहार यूपी में ज़्यादातर ये मामला देखा जाता है। देखिए, ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है, इसमें अभी एक अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई है, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है, अभी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।